भारत पाकिस्तान की 1971 की लड़ाई पर बनी सेम मानिक शाह के जीवन पर आधारित मूवी सेम बहादुर आज सिनेमाघरों में लॉन्च हो गई है और अब बारी है रिव्यू की। यानी कि विक्की कौशल एक बार फिर से आर्मी की यूनिफॉर्म में है और उनका काम इस मूवी में कितना लोगों को पसंद आया इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मूवी के ट्रेलर लॉन्च होने से ही लोगों को उम्मीद थी कि इस बार विक्की कौशल फिर से आर्मी की यूनिफॉर्म में बेहद खास नजर आने वाले हैं। तो चलिए अब रिव्यू का टाइम। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के, और मतलब जितना हम लोगों को इंटरव्यू से उनका पता था और वैसा ही सेम सारी क्लिप्स बहुत अच्छे से उन्होंने अच्छे से पोर्ट्रेट की थी जो भी हमने उनके बारे में सुना था। उनकी मेहनत बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बिल्कुल जैसे कि हम अपने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को जैसा हम महसूस करते हैं अंदर से, जैसा हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, जितने उनके इंटरव्यूज देखे, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल, उनका मतलब जो कैरेक्टर उनका इन रियल था वो उन्होंने ला के दिखा दिया और फिर से एक बार महसूस करा दिया कि हाँ, एक आर्मी का बंदा जो लास्ट में गाना आता है कि ये बंदा कमाल का जो गाना है वो बिल्कुल सूट कर रहा है। और विक्की कौशल जी ने चार चांद लगा दिए इस रोल को निभा करके, मतलब हर कोई उस रोल को इस कदर नहीं निभा पाता। मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं उनको कोई नंबर दे सकूँ, क्योंकि आज मैं इस मूवी को देख के उस कैरेक्टर को महसूस कर पाया और मतलब अंदर से, मतलब जो आवाज़ आती है ना, जो आजकल मूवीज बनती हैं, जैसे एक बनी थी जो विक्रम बत्रा जी के ऊपर, शहीद विक्रम बत्रा जी के ऊपर, वही टाइप की फील मुझे इस टाइम है। मोटिवेशन देने के लिए सबसे बेस्ट मूवी है। आप ऐसी मूवी आप इतिहास में मेरे ख्याल से आप कभी भी नहीं देख पाएंगे, इतनी बढ़िया मूवी बनाई है। मैं तो भाई जबरदस्त फैन हो गया इनका। खास बात ये थी कि इस मूवी को बनाने में 7 साल का रिसर्च लगा। ओके, क्या वो देखा? 7 साल मुझे तो लग रहा है इनने तो आजादी के टाइम से ही सारे रिसर्च इतने इकट्ठे करने चालू कर दिए थे कि हमें ऐसी मूवी बनानी पड़ेगी। विक्की कौशल जैसा का आपको कहीं नहीं मिले। पैसा वसूल, डबल पैसा वसूल। मैं कैसा रहा? इट वॉज गुड। और मतलब कुल मिला के विक्की कौशल को आर्मी की यूनिफॉर्म में देखना तो इट्स द बेस्ट टू वॉच ऑन बॉलीवुड। फील्ड मार्शल स्विम या किरदार था मूवी थी, वो तो बिल्कुल उसने अपने अंदर ही डाल लिया है। और ऐसा लग रहा था कि सेम मानेकशॉ ही मूवी वो कर रहे हैं। और कुछ भी ऐसा नंबर देगी? 10 में से मेरे को ज्यादा नहीं होता, हम 11-12 ऊपर ही चाहिए। पूरी के बाद रिव्यू काफी अच्छा है, रैंक्स वर एक्यूरेट और काफी अच्छा पोर्ट्रे किया है। कुछ डिटेल्स रियली थोड़ा सा मिसिंग था, बट ओवरऑल मूवी वाज गुड। विक्की कौशल का काम कैसा? विक्की कौशल का काम अच्छा, काफी अच्छा।